गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की पेशी पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा रही का यह मामला है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिमान में तहरीक इंसाफ के साबिक MNA अमजद खान नियाजी भी शामिल हैं। तफसीला जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आदिल तरोली हमारे साथ मौजूद है। आदिल आगा कीजिए। अभी देखें, गुज़िश्ता रोज़ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आरई केस में जो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं, PTI के कारकुनान, उनको अदालत में रिमांड के लिए पुलिस की जानिब से पहुंचा दिया गया है। अब अदालत में कुछ ही देर में बकायदा तौर पर पेश करके पुलिस जो है मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी। जुडिशियल ड्यूटी मजिस्ट्रेट है मलिक अमान, उनके सामने मुलजिमान को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज हंगामा आरई और तोड़ फोड़ के मामले में तकरीबन 60 के करीब PTI कारकुनान को पुलिस की जानब से हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ CTD में दहशतगर्दी की दफात समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आज बाकायदा तौर पर मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल करने की इस्तदा की जाएगी। अब मुलजमान को जो है वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर मुलजमान के पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद पुलिस जो है अगले आगे उनसे मजीद तफ्तीश करेगी, क्योंकि फहरिस्त में नामालूम अफराद जो है वो भी शामिल किए गए हैं। मुलजमान की निशानदेही पर ही नामालूम अफराद को भी तलाश करने का अमल शुरू किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका आदिल।